सुप्रभात, मेरा नाम दीक्षा है, मैं कक्षा एकादश की छात्र हूँ। आज हमारा समूह प्रस्तुति लेके प्रस्तुत हुआ है। मेरे सहायक शिल्पा, सागर, करण है। हमारा विषय मूल निवासियों का विस्थापन है, जिसमें हम उत्तरी तथा दक्षिणी के मूल निवासियों में पाए जाने वाले अंतर को पर चर्चा करेंगे। मूल बाशिंदे ऐसे लोगों को कहा जाता था जो अपने मूल निवास स्थान पर रहते थे। उत्तर तथा दक्षिणी इतने लंबे चौड़े महाद्वीप हैं कि उनमें फर्क होना स्वाभाविक है। उनकी अपनी अपनी शैलियाँ होती थी जिनको पनपने में हजारों वर्ष लग गए। अब सागर आपको आगे की जानकारी देंगे। उत्तरी अमेरिका के मूल बाशिंदे शिकार करने, मछली पकड़ने, संग्रहण में अधिक दिलचस्पी रखते थे, ना कि खेती करने में। उन्होंने खेती करने की कभी नहीं सोची और ना ही अनाज इकट्ठा किया। जंगली भैंसों के शिकार के लिए वे मैदान में घूमते फिरते थे। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों के 17वीं सदी में दो महीने के जो अंतराल, जो समुद्री अभियान के बाद जो उन्होंने जो व्यवहार देखा था उनका, स्थानीय लोगों का जो उनका व्यवहार जो था दोस्ताना और गर्मजोशियों से भरा हुआ था। इसी के अंतराल दक्षिण अमेरिका के जो स्पेनीय लोग थे उनके विपरीत, जो सोने की प्रचुरता के लिए वो अभिभूत के लिए आए थे, और यह लोग मछली और रोएदार खाल के लिए व्यापार करने आए थे, जिसमें उनकी मदद शिकार कौशल देसी लोगों ने काफ़ी मदद मिली। इसी के विपरीत दक्षिणी अमेरिका के लोग केंद्र अमेरिका के मूल बाशिंदों का मुख्य व्यवसाय मछली पालन, खेती करना था, और वह मौका पड़ने पे शिकार और मछलियां भी पकड़ते थे। उनका की जन्मभूमि दक्षिण अमेरिका ही है। धन्यवाद।